इसके लायक माने रहे हैं। वी बी डिस्कसिंग पेस्टिसाइड्स टुडे। बेसिकली दे आर नोन एज पेस्टिसाइड्स, लेकिन चूंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स हैं, इसलिए इसको पेस्टिसाइड्स के नाम से नहीं मशहूर। ये है असल में पेस्टिसाइड्स, इसके आगे तीन क्लासेज हैं, मैं आपको बताता हूँ। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट इज अ प्लांट और एन एनिमल विच इज डेट्रीमेंटल टू ह्यूमंस और ह्यूमन कंसर्न्स सच एज एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, गाय भैंसे वगैरह बकरियाँ वगैरह, इनको जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं या इनको जो इनके लिए जो न्यूसेंस बनते हैं उस ऑर्गेनिज्म को पेस्ट कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव मीनिंग includes organisms that cause nuisance and epidemic disease associated with high mortality, for example plague. In its broadest sense, a pest is a competitor of humanity. Human resources ke liye compete karta hai, that organism is known as a pest. A pest is any living organism which is invasive or prolific. Invade karta hai, multiply karta hai, detrimental hai, नुकसानदेह है, ट्रबलसम है, नॉक्शस है, डिस्ट्रक्टिव है, अ न्यूसेंस टू आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, वाइल्ड इकोसिस्टम एक्सेट्रा। एंड इट इज अ लूजली डिफाइंड टर्म, ऑफन ओवरलैपिंग विद द रिलेटेड टर्म्स वर्मिन, वीड, जड़ी बूटियां। जो कि प्लांट्स के भी पेस्ट होते हैं, एनिमल्स के भी पेस्ट होते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी पेस्ट इन वन सेटिंग बट बेनिफिशियल domesticated or acceptable in another condition. The pesticides wo chemicals hai which destroy the pests. They are chemical other agents that are used to control or protect other organisms from pests. Ab ye iski classification hai, classification of pesticides. Isme teen main categories hai, insecticides jisse hamara concern hai, jo ki hamare topic ke liye important hai, dusra herbicide एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, जो हर्ब्स को जड़ी बूटियों को मारते हैं वो हर्बिसाइड्स कहलाते हैं, और रोडेंटिसाइड जो चूहे वगैरह उनको मारते हैं उनको रोडेंटिसाइड कहते हैं। हमारा फोकस विल बी ऑन इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स में तीन मेन बड़ी क्लासेस हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड। हर्बिसाइड्स में क्लोरफिनॉक्सी कंपाउंड एंड बायोपिडिल कंपाउंड। रोडेंटिसाइड्स में हाईली टॉक्सिक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है एंड लो टॉक्सिक केमिकल्स है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हाउ वुड यू क्लासिफाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन? दे आर बेस्ड अपॉन केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें एल्काइल फॉस्फेट्स और एराइल फॉस्फेट्स, ये दो मेन बड़ी क्लासिफिकेशन। एल्काइल ग्रुप होता है एल्काइल फॉस्फेट्स में, और एराइल ग्रुप होगा एरिल फॉस्फेट। एल्काइल फॉस्फेट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? इसमें ये है HEPP, हेक्सा एथिल पायरोफॉस्फेट और टेट्रा एथिल पायरोफॉस्फेट, या मेलाथायोन, सिस्टॉक्स एक्सेट्रा। और एराइल फॉस्फेट्स में पैराथायोन और क्लोरीथायोन, डायजिनोन। ये आपको नेम्स से फेमिलियरिटी देने के लिए। मेन दो बड़ी क्लासेज हैं ऑर्गेनोफॉस्फेरस फॉस्फोरस कंपाउंड्स की, जो कि इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसमें एल्काइल फॉस्फेट्स हैं, एराइल फॉस्फेट्स। एल्काइल फॉस्फेट्स में HEPP, हेक्सा एथिल पायरोफॉस्फेट और टेट्रा एथिल पायरोफॉस्फेट, और मेलाथायोन है, और इसमें पैराथायोन है, एराइल फॉस्फेट। इंसेक्टिसाइड आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड पेस्टिसाइड इन डेवलपिंग कंट्री। Herbicides are more commonly encountered in developed countries. जैसे example, United States is the largest user of pesticides. लेकिन हमने focus करना है organophosphorus compounds. More than 500,000 organophosphorus compounds have been synthesized and tested for insecticidal activity. The number actually used for this purpose today probably does not exceed 3 dozen. तकरीबन 36 है जो इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स आर अमंग द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल सब्स्टेंसेस।
that cause human poisoning and are the most frequently encountered insecticide poisons. Ingestion of as little as 2 milligrams in children may be lethal. इसकी LD50 कितनी है? लीथल डोज 50. इससे 50% ऑफ इंसेक्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मर जाते हैं. लीथल डोज वो खिलाते हैं जिस डोज पर 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स दे जाए. LD50 डेटा इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट द पोटेंशियल हैजर्ड ऑफ अ टॉक्सिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ह्यूमंस. द टेबल शोज a list of organophosphorus insecticides in order of decreasing toxicity based on oral LD50 values. Highly toxic ones generally have oral LD50 values of less than 50 milligrams per kg and are restricted largely to agricultural use. Those with oral LD50 values greater than 50 milligrams per kg are considered moderately toxic and diluted for household use. घरों में जो इस्तेमाल करते हैं उनकी LD50 ज़्यादा होती है 50 milligrams per kg से. जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं they are only used for agricultural purposes. अच्छा देखिए LD50 in milligrams per kg ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है tetraethyl pyrophosphate. इसकी LD50 1.1 milligrams per kg. इसी तरह ये बढ़ती जाएगी बट 53 होगी 80 होगी. अब ये लेस टॉक्सिक ये 50 मिलीग्राम से ऊपर ऊपर ये घर के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो 50 मिलीग्राम पर केजी से नीचे नीचे हैं वो एग्रीकल्चरल यूज फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं. हाईली टॉक्सिक दीज आर मॉडरेटली टॉक्सिक. सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स वर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. देयर यूज they were used as a nerve gas first in chemical warfare. And in fact, much of our understanding of clinical manifestations of organophosphorus insecticide poisoning was derived from the development of nerve gases, such as tabun, sarin, and soman. Early syntheses included compounds such as tetraethyl pyrophosphate, parathion, and fridin, which were not only extremely effective insecticides, but also quite toxic to mammals. Research continued toward development of additional compounds such as malathion that maintained insecticide potency with less risk of toxicity to humans. Chemical structures are shown. ये tetraethyl pyrophosphate का structure है, ये parathion का, ये malathion. ये तीन main ही आपने याद रखे. ये सबसे कम toxic है, ये बहुत toxic है, और parathion moderately toxic. अब organophosphate is the general name for esters of phosphoric acid. Its chemical structure kya hai? These are esters of phosphoric acid. Phosphoric acid is a mineral acid or inorganic acid having the chemical formula H3PO4. Esters are formed by condensing an acid with an alcohol. Ye jab alcohol iske sath bond banati hai to it becomes an ester of phosphoric acid. These are the organophosphorus. That name iske pata chalta hai. ऑर्गेनोफॉस्फोरस अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जब ये फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है इट इज नोन एज ऑर्गेनोफॉस्फोरस सब्सटेंस और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन. फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन ये डस्ट की सूरत में, ग्रैन्यूल्स की सूरत में या लिक्विड की सूरत में आपको मिलेगा. एंड सम प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर एंड सम आर बर्न टू मेक स्मोक टू किल इंसेक्ट्स. Toxicokinetics, they are absorbed through the transdermal route. Skin pe aap laga de liquid organophosphorus, wahan se absorb ho jayega, it will be very toxic. Transconjunctiva se absorb ho, aankhon mein pad jaye, it will be absorbed. Naak mein chala jaye, wahan conjunctiva se absorb ho jayega. Inhalational, lung se absorb hoga. Across the GI and GI mucosa, genital urinary mucosa, आपने खा लिया, ingest कर लिया, वहाँ से absorb, या direct injection IM या IV, ये routes हैं of absorption. They are metabolized in the liver. Detoxification occurs via the cytochrome P450 monooxidase system, and the metabolites are excreted in the urine. अब इनको समझने के लिए, इनके इफेक्ट्स को
हमें थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे जाना पड़ेगा. नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एफरेंट, जो कि सेंसेशन या इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. एफरेंट दीज आर द इफेक्टर न्यूरॉन्स व्हिच जिन्होंने इफेक्ट प्रोड्यूस करना है. या तो कोई ग्लैंड को सिक्रीट करवाएगा या कोई मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा. ये दो ही काम है डिफरेंट सिस्टम. इसमें सोमैटिक है ऑटोनॉमिक. सोमैटिक जो कि हमारा वॉलेंट्री सिस्टम है स्केलेटल मसल, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री. ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिम्पैथेटिक सिस्टम. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन सीएनएस वो पार्ट है नर्वस सिस्टम व्हिच इज रिजाइडिंग विद इन द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड. And the peripheral nervous system is outside the skull and spinal cord. It's got 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. The CNS and PNS ke darmiyan afferent aur efferent system chal raha hai. Ab autonomic system ko samajhna zaruri hai in order to understand the effect of organophosphorus compound. ऑटोनॉमिक से पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है, सिम्पैथेटिक कौन सा है और सोमैटिक कौन सा है. पैरासिम्पैथेटिक जो है ये कार्डियक स्मूथ मसल ग्लैंड के सेल और नर्व टर्मिनल पे, ये इस पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है दैट इज एसिटाइल कोलिन प्री गैंग्लियन. और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है उस पे भी जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन. क्या आपने पढ़ा होगा this is the parasympathetic pathway. Sympathetic pathway mein the preganglionic sare jo nicotinic receptors hain they are preganglionic, uspe bhi neurotransmitters are acetylcholine. The postganglionic sweat glands pe hain, sirf sweat gland exception hai. Sweat glands pe the postganglionic sirf ek exception hai sympathetic system mein. Postganglionic fibers to the sweat glands they release acetylcholine. बाकी सब पे नॉर एपिनेफ्रीन है या डोपामीन है. एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन, ये रीनल वैस्कुलेचर पे डोपामीन है. बाकी सब जगह पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स दे रिलीज आइदर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन. नॉर एपिनेफ्रीन इन अदर सिस्टम एड्रीनल से जो है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन. एड्रीनल ग्लैंड जो जब स्टिमुलेट होता है तो एड्रीनल ग्लैंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कोई नहीं है, लेकिन उससे जो रिलीज होगी वो एपिनेफ्रिन व्हिच इज देन कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. और ये डायरेक्ट इनर्वेशन है, देयर इज नो गैंग्लियन इन बिटवीन इन द सोमैटिक सिस्टम. और द निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल एंड न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलीन व्हिच एक्साइट्स द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. This is the outline of the sympathetic and parasympathetic nervous system. और इसके दो parts हैं. Parasympathetic का is the craniosacral outflow और sympathetic का is the thoracolumbar outflow. Sympathetic autonomic nervous system is a fight or flight system, जैसे कि सब जानते हैं. और parasympathetic system is the rest and digest. Parasympathetic fibers are all cholinergic. Sympathetic fibers are all adrenergic. Craniosacral and thoracolumbar, yes, you want to tell them. Craniosacral, parasympathetic fibers में से craniosacral कौन-कौन सा outflow है? Craniosacral में 4 cranial nerve, 3, 7, 9 और 10, ये आपने याद. These are parasympathetic. Cranial nerve 3, 7, 9, 10. ये क्रेनियल आउटफ्लो होगा. सेक्रल आउटफ्लो में पेल्विक स्प्लैनिक नर्व S2-3-4 जो पेल्विक ऑर्गन्स को इनर्वेट, जैसे ब्लैडर को जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, जो निक्चुरेशन करवा रही है या जो एजेफिकेशन करवा रही है, ये दैट डोज प्रोस्टेट को जो सप्लाई करेगी वो पेल्विक स्प्लैनिक नर्व सिंथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. एसिटाइलकोलीन रिलीज, दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस क्रेनियो सेक्रल आउट ऑक्यूलोमोटर फेशियल ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस. ये इनके इफेक्ट्स आप, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि
आपको जब इफेक्ट्स आए तो वो बहुत इजी हो जाएंगे, जब आपको सिस्टम रिवाइज हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, देन यू डोंट हैव टू मेमोराइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड. आपको सिंपली पता है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इनका एक्शन हो रहा है. रैको लंबर आउटफ्लो T1 to T12 और L1 2 3, दिस इज दीज आर ऑल सिंपथेटिक फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं टू इनर्वेट ऑल द अदर ऑर्गन्स. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी. Understanding the mechanism of toxicity requires prior knowledge of the actions of cholinergic neurotransmitter acetylcholine. The muscarinic and nicotinic acetylcholine receptors exist in both the central and peripheral nervous system. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, peripheral nervous system में उनकी location मैंने बता दी थी आपको, तो वो ganglions में होते हैं nicotinic receptors और जो है effector organs पे होते हैं, और centrally भी located होते हैं muscarinic और nicotinic. In the peripheral nervous system, acetylcholine is released in autonomic ganglia at both the sympathetic and parasympathetic preganglionic synapses, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी. फिर acetylcholine is released at all parasympathetic postganglionic synapses, and acetylcholine is released at the neuromuscular junction of skeletal muscle. ये जो है somatic system. यहाँ पे फिर से एक दफा आप देख लें कि सिंथेटिक फाइबर्स ये प्री गैंग्लियोनिक, सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं उनको वो जो गैंग्लियन पे सिनेप्स करे वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलिन, एंड दीज आर ऑल निकोटीनिक रिसेप्टर ऑन गैंग्लिया. गैंग्लिया के ऊपर निकोटीनिक रिसेप्टर है और न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज acting on these nicotine receptors is acetylcholine. Even adrenal medulla pe there is a nicotinic receptor, and the stimulating neurotransmitter is acetylcholine. Fir sare parasympathetic system ke upar jo parasympathetic system hai uske postganglionic fibers par bhi acetylcholine is being released. Aisa ye aap dekh sakte hain acetylcholine. Lekin jo norepinephrine is released in the sympathetic system. And adrenal medulla, तो खुद gland है वो directly stimulate होता है by the preganglionic fiber, और उसका postganglionic fiber कोई नहीं है, ये direct blood में epinephrine को release करता है, वो जाके adrenergic receptors पे act करता है. और acetylcholine is also acting in the neuromuscular. This is the somatic system. This is the parasympathetic. This is the autonomic system. This is the somatic system. Somatic system में भी सारे skeletal muscles पे there is no ganglia. Direct fiber innervate करता है the neuromuscular junction. The receptors are nicotinic and the neurotransmitter is acetylcholine. इस picture को mind में रखते हुए हम इसके effects देखेंगे. Organophosphorus compound. ये भी जो भी picture मैंने दिखाई है same picture है. Somatic system में direct fiber जा रहा है, direct जाके skeletal muscle को innervate कर रहा है nicotinic receptor पे, और acetylcholine neurotransmitter के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. Sympathetic में preganglionic fibers इस पे acetylcholine ही release हो रहा है, लेकिन postganglionic fibers जो हैं वो epinephrine या norepinephrine release कर रहे हैं. Parasympathetic fibers में preganglionic पे acetylcholine, postganglionic पे भी acetylcholine. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, इन द सेंस सीएनएस मोस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक्साइटेशन विद इन नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर सेंटर्स. व्हेन एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड इट एक्ट्स एज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर टू प्रोपगेट नर्व कंडक्शन इन द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल सिस्टम्स और टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन. The actions of acetylcholine are terminated by hydrolysis in the presence of enzyme acetylcholine esterase. The synaptic cleft के अंदर acetylcholine destroy होती है by the enzyme acetylcholine esterase. इसके दो forms होते हैं, two choline esterase और acetylcholine esterase is located
the erythrocytes, the neurons, the neuromuscular junctions, the lungs, the spleen, and the gray matter of the brain. और जो सूडो कोलिन एस्ट्रेज है और सीरम कोलिन एस्ट्रेज जिसको कहते हैं, इट इज लोकेटेड प्राइमरली इन द सीरम एंड प्लाज्मा, बट इट ऑल्सो इज लोकेटेड इन द लिवर, पैनक्रियास, हार्ट एंड वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन. नाउ द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज हैज टू पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट एंड एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू इट इन अ सीक्वेंशियल मैनर. फर्स्ट द एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू एन आयोनिक साइट ऑन द एंजाइम. And then the acetyl moiety binds at an esteric site. This is known as the enzyme substrate complex. यानी कि दो जगह इसका gist ये है कि the enzyme binds the acetylcholine at two sites. एक the acetyl anionic site होती है enzyme के ऊपर, उससे bind करता है, और एक esteric site होती है enzyme के उसपे bind. कोलीन इज क्लीव्ड लीविंग एसिटाइलेटेड एंजाइम. कोलीन उसमें से निकल जाता है और सिर्फ एसिटाइल पोर्शन रह जाता है एसिटाइल कोलीन का. कोलीन उसमें से निकल जाता है. एसिटाइल पोर्शन इज रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड टू एसिटिक एसिड एंड द एंजाइम इज रीजनरेट. बेसिकली आपने एसिटाइल कोलीन को ब्रेक डाउन करना है. तो एसिटाइल और कोलीन आपस में मिले हुए हैं. एसिटाइल कोलीन ये जब एंजाइम से बाइंड करते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, दो साइड्स ऑक्यूपाई होती हैं, उसमें से कोलीन निकल जाती है, एसिटाइल पोर्शन रह जाता है. उसके बाद एसिटाइल पोर्शन इज फर्दर एसिटाइल इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड एंड द एंजाइम इज फ्रीड. अब दोबारा एंजाइम दोबारा रीजनरेट, इसमें से दोनों पोर्शन निकल गए, एसिटाइल पोर्शन भी निकल गया, कोलीन का पोर्शन भी निकल गया, एसिटाइल कोलीन भी टूट गई और एंजाइम भी बिल्कुल नया होकर बाहर आ गया, रीएक्टिवेट हो गया. ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैकेनिज्म एक्शन क्या है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड. जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कंबाइन करता है विद द एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, इट फॉस्फोराइलेट्स द एंजाइम. जब ये फॉस्फोराइलेट होता है तो इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, ये रीएक्टिवेट नहीं हो सकता. Organophosphorus insecticide and carbamates inhibit the acetylcholine esterase by phosphorylating the esteric site of the enzyme. Now the phosphate moiety is bound so tightly that it is considered irreversible. अब ये इससे इतनी tightly bind कर लेता है कि enzyme अपना function नहीं कर सकता, enzyme regenerate नहीं हो सकता. तो जब acetylcholine esterase inactivate हो जाएगा तो there will be lots of acetylcholine present. And it will not be degraded. उसके फिर effects आना शुरू हो जाएंगे. Acetylcholine esterase and activity remains inhibited until the new enzyme is generated. या तो नया एंजाइम बने या कोलीन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर आप दें जो कि इस फॉस्फोरस कंपाउंड को अलहदा करे एंजाइम से. रीएक्टिवेटर होता है, ये अलहदा करता है, डिटैचेस द फॉस्फोरिक फॉस्फेट माइटी from the enzymes, so the enzyme can be regenerated. दो ही रास्ते हैं, एक दफा organophosphorus की poisoning हो गई तो या तो नया एंजाइम बनेगा या कोई reactivator आप डालें जो कि phosphate moiety को उससे अलहदा करे, तभी हो सकता. Depression of RBC acetylcholine esterase is considered a specific response to organophosphorus poisoning and reflects a bigger degree of inhibition of neuronal synaptic choline. इसको मेजर आप कर सकते हैं कि किस हद तक पॉइजनिंग हुई है बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलीन आरबीसी एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज. जितना वो डाउन होगा उतना आपको पता है उतना ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग सीवियर हुई है. हाउएवर बोथ द एरिथ्रोसाइटिक और ट्रू कोलीन एस्ट्रेज एंड द स्यूडो कोलीन एस्ट्रेज एक्टिविटीज कैन बी इंक्रीज. व्हिच एंजाइम इज मेजर्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ दी इनहिबिशन बाय दी ऑर्गेनोफॉस्फोरस एसिटाइड्स, एसिटाइल कोलीन एक्यूमुलेट्स एंड बाइंड्स टू दी मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम. ये मेन बात आपने याद रखी कि जब एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो गया द एसिटाइल कोलीन विल बी प्लेंटी एंड इट विल नॉट बी डिग्रेडेड, सो इट विल accumulate in all the nerves and the synaptic cleft and it will excite all the muscarinic and nicotinic receptors.
Consequently, the organophosphorus poisoning may produce a variety of clinical manifestations. Low dose exposure to the compounds generally produces signs and symptoms attributed to stimulation of the peripheral muscarinic receptors. जब लो डोज में एक्सपोजर होता है तो मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं. जब लार्ज डोजेस में एक्सपोजर होता है तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स और सेंट्रल मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर एक्टिवेट. ये आपको याद रखें. लो डोज में ओनली मस्करिनिक रिसेप्टर्स, पेरिफेरल मस्करिनिक रिसेप्टर्स, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और लार्ज डोजेस में ये गैंग्लिया इफेक्ट होंगे. निकोटिनिक रिसेप्टर और सेंट्रल मस्करिनिक रिसेप्टर दे विल आल्सो बी एक्टिवेटेड. 2 to 4 weeks आर रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा सूडोकोलिनेज फेज एंड 4 weeks टू सेवरल मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर एरिथ्रोसाइटिक एंड सिनैप्टिक कोलिनेज फेज एक्टिविटी टू रिटर्न टू नॉर्मल. अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर टाइप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. मस्करिनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो क्या क्या होगा, और निकोटिनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो क्या, और सेंट्रल जब एक्टिवेट होंगे तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हैं. डेफिनेटली अगर आपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ा है तो मायोसिस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, आयरस के ऊपर जो है वो थर्ड नर्व के फाइबर जाते हैं और वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वहाँ पे एसेटाइलकोलाइन को रिलीज करते हैं. वहाँ पे मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं ऑन द कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली ऑफ द आयरस. जो स्मूथ मसल आयरस का है विच इज कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली, वहाँ पे एसेटाइलकोलाइन इज रिलीज एंड इट कॉज अब वहाँ पे दैट एसेटाइलकोलाइन इज एक्टिवेटिंग द मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड इट इज कॉजिंग कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल. दिस इज नोन एज मायोसिस. ब्लर्ड विजन, क्लियरिंग मसल भी जो है पैरालाइज हो जाएगा, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगी और इट विल कॉज पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन. इसकी वजह से विजन ब्लर्ड हो जाएगी, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सारे वेगस नर्व के इफेक्ट, स्लाइवेशन. ये स्लाइवी ग्लैंड्स आर आल्सो सप्लाइड बाय द सेवेंथ नर्व, फेशियल नर्व, वहाँ भी मस्करिनिक रिसेप्टर है. लैक्रिमल ग्लैंड आल्सो सप्लाइड बाय द सेवेंथ नर्व, वो भी मस्करिनिक रिसेप्टर है. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और ब्रेडीकार्डिया, ये वेगस का इफेक्ट है. वेगस नर्व इज इनर्वेटिंग दी, वहाँ पे एसेटाइलकोलाइन जब रिलीज होती है वेगस नर्व जब रिलीज करता है इट विल कॉज ब्रेडीकार्डिया, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट, एब्डोमिनल पेन. सारा एब्डोमिनल स्मूथ मसल इज सप्लाइड बाय द ऑलमोस्ट वेगस नर्व, तो वो वहाँ पे भी मस्करिनिक रिसेप्टर है. Because abdominal pain due to contraction of the and diarrhea, the diaphoresis, sweating, or because diaphoresis, you have to remember that the sympathetic fibers are supplying the sweat glands. And sweat glands, which are sympathetic fibers, why the exception is that the acetylcholine release करते हैं वहाँ पे, तो sweating होती है. So diaphoresis उस वजह से होती है. फिर वीजिंग, ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे सारी एसेटाइलकोलाइन के रिसेप्टर्स हैं मस्करिनिक रिसेप्टर, और वहाँ पे जब वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इट विल कॉज वीजिंग, नर्विंग ऑफ द एयरवे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इट विल कॉज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस. ये तो सारे मस्करिनिक इफेक्ट्स. निकोटिनिक इफेक्ट्स में जो गैंग्लिया के ऊपर गैंग्लिया एक्टिवेट हो गए कॉज मस्कुलर फैसिलिटी एंड पैरालिसिस, पैलर, मसल वीकनेस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, न्यूक्लियस व्हिच इज रेयर. सेंट्रल में अनकॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, टॉक्सिक साइकोसिस, सीजर्स, फटीग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिसआर्थ्रिया, एटैक्सिया एंड एंग्जायटी. एक और टेबल है, इसमें आप निमोनिक याद करें, स्लड, SLUD, स्लड, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, ये मस्करिनिक इफेक्ट, SLUD. निकोटीन इफेक्ट से मसल फटीग, वीकनेस, स्विचिंग, फैसिलिटी, ट्रेमर, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन,
टैकीकार्डिया, सीएनएस में एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, नाइटमेयर, कंफ्यूजन, न्यूरोसिस, हेडेक, डिप्रेस्ड कार्डियोवास्कुलर, एटैक्सिया, डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कोमा, वीडीनेस, कन्वर्जन, शीन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी सेंटर को जाके ये एक्टिवेट कर रहा है, तो उस वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। मायोसिस, फटिग, इंक्रीज ब्रोंकोस्पेशन भी है। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, इंडिविजुअल सिस्टम्स के ऑप्टिक सिस्टम में पल्मोनरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेजन, विजन और लैक्रिमेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोस्पैज़म, ब्रोंकियल सेक्रेशन, पल्मोनरी एडिमा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ब्रीदिंग, कॉफ, डिफिकल्टी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सलाइवेशन, नौजिया, क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, फीकल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम में यूरिन इनकॉन्टिनेंस, इंपोटेंस, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेंट्रल इफेक्ट्स में ये सारे आ गए, इंसोम्निया, लेथर्जी, एनोरेक्सिया, कंफ्यूजन, एपथी, एंजाइटी, वर्टिगो, डिजीनेस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, मेमोरी इंपेयरमेंट, कन्वल्जंस, कोमा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मस्कुलर में वीकनेस ऑफ द मसल्स, ट्रेमर, फैसिकुलेशन, स्विचिंग, क्रैम्प्स, इंक्रीज स्वेट। अब इसका निमोनिक है, साइन एंड सिम्टम का स्लज, SLUDG, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डी से डायरिया, जी से GI डिस्ट्रेस एंड ई से MSS या वॉमिटिंग। दूसरा निमोनिक है डंबबेल्स, इसमें डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज़म, ब्रोंकोरिया, इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन, इसको ब्रोंकोरिया कहते हैं, ई से MSS, एल से लैक्रिमेशन, एस से सैलिवेशन। ये निमोनिक्स आप याद कर लें, डंबबेल्स है, स्लज है, सारे वेज टू रिमेंबर द इफेक्ट्स। Early signs and symptoms of low doses of organophosphorus insecticides are due to excess cholinergic stimulation at the muscarinic receptor. जो मैंने पहले बता के low dose में the muscarinic receptors are activated. With moderate to larger doses, nicotinic and central stimulation predominate over most muscarinic effects. High doses में nicotinic और central effects आए। The muscarinic effects are the results of acetylcholine accumulation at the autonomic effector cells and usually appear early, within minutes after ingestion. Symptoms include nausea, sweating, myosis, pinpoint pupils, blurred vision, and a syndrome identified by the acronym SLUD. Respiratory effects include bronchoconstriction with wheezing and increased bronchial secretion. Nicotinic effects are on the autonomic ganglia and the skeletal muscles. स्केलेटल मसल पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर। ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग विल अपीयर आफ्टर द मस्कुलिनिक इफेक्ट्स हैव बीन नोन। इसमें मसल ट्विचिंग होगी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे जो एक्शन, वीकनेस, इसके वो जब इतना स्टिमुलेट हो जाएगा कि वो फिर दोबारा डीपोलराइज नहीं होगा, डीपोलराइज नहीं हो सकता, डीपोलराइज ही नहीं हो रहा, वो it remains depolarized. इतनी ज़्यादा acetylcholine nicotinic receptor को इतना ज़्यादा stimulate कर देगा कि it will not have a chance to depolarize. जब depolarize नहीं होगा तो contraction नहीं हो सकता। अगर depolarized state में ही रहेगा muscle तो it will cause paralysis of the muscle. तो जब depolarize इसकी inhibition of depolarization की निशानी है कि fasciculation शुरू हो जाएगी। excessive stimulation and decreased repolarization, उसमें fasciculation, उसके बाद जब repolarization बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो फिर it will be complete paralysis, which is very dangerous condition, patient person can die. Respiratory muscles जब जो है diaphragm और दूसरे intercostal muscles जब वो paralyze होंगे तो it will cause the death of the person. Causing persistent depolarization, cholera paralysis of the skeletal muscles. The most profound effect of paralysis on the respiratory muscles. In severe organophosphorus poisoning, transient hyperglycemia, dysregulation of the sympathetic ganglia and adrenal glands may be observed. Adrenal glands will be aap yaad karenge nicotinic receptors. So, wo stimulate honge, so adrenal gland will start releasing epinephrine, norepinephrine plus gluconeogenesis, glycolysis karega. Epinephrine glycolysis, the fright and flight reaction,
and it will cause hyperglycemia. The CNS manifestations of organophosphorus insecticide poisoning include an initial stimulation followed by depression of the respiratory cardiovascular centers. शुरू में hypertension होगा और increased breathing in उसके बाद respiratory depression और hypotension हो जाएगा. Other CNS effects include anxiety, restlessness, confusion, headache, flared speech convulsions and coma. Even a single episode of significant organophosphorus poisoning may result in persistent decline in the neuropsychological function tests. Deaths with organophosphorus insecticide poisoning is the result of respiratory muscle paralysis, depression of the central respiratory center, bronchoconstriction and accumulation of bronchial secretion. Teen system, lung aapke effect ho gaya, CNS effect ho gaya, aur aapka respiratory system effect. Severity of poisoning aap kaise isko karenge, serum acetylcholine esterase level aap measure karenge. 3500 to 8500 units per liter. So, जितना जितना ये लेवल कम होता चला जाएगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का, उतना ज्यादा सीवियर होता चला जाएगा. अगर माइल्ड है तो level is greater than 700 to 1700 units per liter. Moderate में अगर it is greater than 350 to 700 कम हो गया तो moderate effects आना शुरू हो जाए. अगर less than 350 तो severe. अगर इतना कम हो गया acetylcholine esterase का level, तो इसके अंदर देखिए mild में walks and talks, there is headache and dizziness, nausea, vomiting, down pain, sweating, salivation, rhinorrhea. Moderate may cannot walk, voice becomes soft with muscle twitching, fasciculation occur, weakness is occurring, anxiety central effects aana shuru ho gaye moderate. Aur severe may completely unconscious, walk karne ka to sawal hi nahi, no pupillary reflex, muscle twitching, placid paralysis, increased bronchial secretion, dyspnea, crackles, possible conversion and respiratory failure. Aur enzyme level aap dekhte jaye, enzyme level bahut kam ho gaya hai. Less than 10% of normal, ये 10 to 20% of normal, और it is about 50% of normal, तो mild है, 10 to 20% है तो moderate है, less than 10% है तो severe. Organophosphorus insecticide may be absorbed by various routes of exposure, which influences the onset of clinical manifestation. After inhalation of vapors, for example, symptoms may appear within minutes. पूरी तेज absorption of the lungs. Oral ingestion, dermal exposure generally requires a longer period to exhibit signs and symptoms of toxic. Localized effect. For example, percutaneous absorption of an OPC can over a confined area of skin may cause intense sweating and itching of muscles of the affected area only. Eye exposure may serve vapors, only myosis of blurred vision. Hoga. Inhalation may small concentration may cause only wheezing and coughing. इसकी कॉम्प्लिकेशन है ऑफ पॉइजनिंग यूजुअली रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी. बंदा रिकवर भी कर जाए तो उसके नर्व्स डीजेनरेट करना शुरू हो जाते हैं. ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में बी डिलेड फॉर डेज टू वीक्स. सिम्टम्स टिपिकली बिगिन इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द लोअर लिम एंड प्रोग्रेस टू जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द एंटायर लिम. इन सम इंस्टेंसेस देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. इसको कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंड्यूस्ड डिलेड न्यूरोपैथी, ओपिड एन. ओपिड एन सिम्टम्स यूजुअली पीक इन अ फ्यू वीक्स एंड देन सबसाइड ग्रेजुअली. कंप्लीट रिकवरी इज नॉट ऑलवेज अपेरेंट. डिलेड न्यूरोपैथी इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूड इनहिबिशन ऑफ द एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल एट्रोपिन और पेरिलोक्साइन. मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू न्यूरोनल डीजनरेशन रादर देन डीमाइलिनेशन. डीमाइलिनेशन में भी डीजनरेशन हो जाती है. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हाउ विल यू ट्रीट. ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंफेक्टेड पॉइजनिंग शुड बिगिन इमीडिएटली आफ्टर प्रोबेबल डायग्नोसिस इज मेड. हेजिटेशन विल कॉज लीथैलिटी एंड डेथ ऑफ द पर्सन. प्रिजम्प्टिव डायग्नोसिस शुड बी मेड ऑफ द सिम्टम्स एंड साइंस. कंफर्मिंग डायग्नोसिस इज बाय मेजरिंग द एरिथ्रोसाइटिक एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेस एक्टिविटी. लेकिन ट्रीटमेंट शुड बिगिन इमीडिएटली ऑन क्लिनिकल पिक्चर. इन सीवियर इंटॉक्सिकेशन एंड क्रॉनिक एक्सपोजर
is suspected choline esterase activity should be measured. Clinical manifestation of acute poisoning generally occurs when more than 50% of choline esterase is measured, and severity of sinus symptoms often parallels the degree of inhibition. 20 to 50% of normal is iron activity, moderate, 10 to 50, mild. माइल्ड में 20-50 है, मॉडरेट में 10-20, मैं बता चुका हूँ, सीवियर में लेस देन 10%. इनिशियल मैनेजमेंट मस्ट इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग एडिक्वेट एयरवे एबीसी, ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन, मेंटेनिंग रेस्पिरेशन. सक्शन में बी रिक्वायर्ड टू रिमूव ब्रोंकियल सेक्रेशन. इफ एक्सपोजर इन्वॉल्व इंजेशन, देन यू रिमूव. अगर उसने खाया है, इंजेस्ट किया है, फिर आप उसको वॉमिटिंग कराएं बाय एपिक emesis and do gastric lavage with protection of the airway. Since insecticides are rapidly absorbed from the GI tract, the gastric decontamination is most effective within 30 minutes post-ingestion. Most insecticides are mixed with the petroleum distillates, so caution must be exercised to protect against the risk of pulmonary aspiration. If gastric decontamination was not undertaken within several hours, activated charcoal may be considered to decrease absorption. फिर antidotes आपने देनी, atropine और prednisone, ये main stay है of treatment. Atropine should be given immediately if severe poisoning is suspected. ये muscarinic effects को reverse करेगा. Atropine antagonizes the peripheral muscarinic effects and many of the central cholinergic effects. Atropine competitive antagonist है acetylcholine का. ये ऑक्यूपाई कर लेगा रिसेप्टर्स को और एसिटाइलकोलाइन को एक्टिंग करने देगा. इट विल नॉट रिवर्स द न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस एसोसिएटेड विद निकोटिनिक स्टिमुलेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर इन सीवियर पॉइजनिंग. ये सिर्फ पेरिफेरल इफेक्ट्स, मस्कुलिनिक इफेक्ट्स को रिवर्स करेगा, लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे इसका एक्शन नहीं है, क्योंकि इट इज ओनली एक्टिंग इट ओनली ऑक्यूपाई द मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एट्रोपिन. So it will only reverse the muscarinic effects. The neuro, जो nicotinic effects हैं, जो ganglia पर और जो central nervous system में जो nicotinic receptors हैं, pineal gland पे जो हैं, उनको नहीं एक उस पे effect नहीं आएगा. Test dose of atropine. Adults में is 1 mg. Children में 0.015 mg/kg. Adults में 1 mg/kg. May be used in mild to moderate organophosphorus insecticide poisoning to confirm the diagnosis. अपने प्यूपिल साइज को मॉनिटर करना है. अगर प्यूपिल मायोसिस से डायलेट होना शुरू हो जाए, मिडियासिस की तरफ चला जाएगा, इसका आपने एट्रोपिन स्टॉप कर देनी है. आफ्टर द इनिशियल टेस्ट डोज एट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड एट डोजेस ऑफ 2-4 mg इंट्रावीनस. और चिल्ड्रन में 0.015-0.05 mg/kg एंड प्रिपेयर्ड एवरी 10-15 minutes एज नीडेड अंटिल द कोलिनर्जिक इफेक्ट्स सच एज ब्रेडीकार्डिया, सलाइवेशन एंड इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशंस डिमिनिश. And signs of atropine action such as midriasis, tachycardia, dry mouth appear. The organophosphorus insecticide poisoning patient is usually resistant to atropine, and high doses given for long periods may be necessary to control cholinergic signs effectively. Management of poisoning using 50 mg of atropine over a 24-hour period or 7 gram over a week has been reported. Normal therapeutic doses of atropine that achieve an anti-muscarinic action in an intoxicated patient are as low as 0.4 mg every 4 hours. इसके बाद ये इसको कहते हैं atropinization. आपने atropine देना है gradually और उसको monitor करते जाना है जब तक उसके muscarinic effects reverse ना हो जाए और atropine के effects आना ना शुरू हो जाए. इसको atropinization. आपने peripheral nervous system को control कर लिया, muscarinic effect reverse के लिए. अब central और nicotinic effect को reverse करने के लिए आपको antidote देना है. Antidote is prednisone, specific antidote, and it तो ये regenerate करता है enzyme को, ये organophosphorus compound को detach कर देता है from the enzyme and regenerates the enzyme. So it is commercially available as the chloride salt package in 1 gram ampoule. Its action is to reactivate the acetylcholinesterase and promote the hydrolysis of accumulated acetylcholine. It combines directly with the organophosphorus insecticide portion of the phosphorylated enzyme complex and breaks the covalent bond between the acetylcholinesterase and the insecticide. Removal of the phosphate completely restores the enzyme activity. Prednisone is a quaternary amine, does not penetrate the CNS readily.
It is therefore without significant effect on brain acetylcholinesterase enzyme inhibition. It also has minimal effect on autonomic muscarinic receptors. Its greatest affinity is for phosphorylated acetylcholinesterase at the neuromuscular junction. Therefore, most of its beneficial effects are directed toward re-establishing skeletal muscle activity. Skeletal muscle normally begins to respond within several minutes. Because of these limitations, atropine must be continued if the patient is to be managed successfully. Prednisone alone provides limited protection. Atropine alone gives about two-fold protection. लेकिन जब दोनों को आप combine करेंगे, the synergistic activity is 100-fold. You have to combine atropine with prednisone. Prednisone should be administered ASAP. जल्द से जल्द. अगर जरा सा भी देर होगी तो एजिंग हो जाएगी. एजिंग में फिर वो बॉन्ड जो है वो परमानेंट हो जाता है. उसको फिर प्रेडिडॉक्साइन भी क्लीव नहीं कर सकता बिटवीन द एंजाइम. फिर एंजाइम रीजनरेट नहीं हो सकता. इसको एजिंग कहते हैं. व्हेन द बॉन्ड बिकम्स पक्का हो जाता है जब बॉन्ड में. ऑक्साइन ट्रीटमेंट इज डिलेड. इफ इट इज डिलेड मोर देन 24 आवर्स इट्स इफेक्टिवनेस बिकम्स क्वेश्चनेबल. इन एंजाइम एजिंग वंस फॉस्फोराइलेशन अकर्स Additional chemical changes such as loss of an alkyl or alkoxy group also occurs to strengthen the phosphate complex even more. If a group toots hai, toh wo bond jyada powerful ho jata hai, bahut strong ho jata hai. Aging occurs more readily with organophosphorus insecticides that contain tertiary alkoxy groups. A process may begin within minutes to hours after the complex form. Once it occurs, the enzyme complex is then resistant to reactivation by prednisone. ये जब ये ग्रुप निकल गया अब एजिंग हो गई. अब रीएक्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल विद द ऑक्साइन. यहाँ तक ठीक है. एजिंग से पहले पहले इसने रिमूव कर दिया और ये एंजाइम रीजनरेट हो. लेकिन जब ये ग्रुप निकल गया अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ये कंपाउंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस विद एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एंजाइम ऑक्साइन टू रीएक्टिवेट. Prednisone की डोज क्या है? Normally administered in a 1 to 2 gram dose for adults, 25 to 50 milligram for kg in children over 5 to 10 minutes. If muscular weakness is not reversed, the dose may be repeated in 1 to 2 hours. Treatment is usually continued for no longer than 24 hours, except in cases of severe exposure or exposure to highly lipid soluble compounds. Side effects are minimal. Dermal exposure may be managed by removing and discarding the contaminated clothing and then washing the contaminated skin with water followed by mild soap. The rubber gloves should be worn by emergency personnel to avoid exposure. Ocular exposure is treated by rinsing the eyes with tap water for at least 15 to 20 minutes. Some drugs are contraindicated in the treatment of organophosphorus insecticide, which are parasympathomimetic, logical. जो ड्रग्स पैरासिटिक सिस्टम एक्टिविटी है उनको नहीं देना आपने. सच फाइजोस्टिग्मी में सक्सेन को लीन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे पोटेंशिएट द एसिटाइलकोलीन एस्टरेज एक्टिविटी. पहले ही एसिटाइलकोलीन ज्यादा है अब और एसिटाइलकोलीन भी दे रहे हैं. आल्सो पोटेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड टॉक्सिसिटी में अकर विद फिनोथायरीन H1 एंटागोनिस्ट दैट पजेस एसिटाइलकोलीन एस्टरेज एक्टिविटी. मॉर्फिन एंड अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स मे कॉम्प्रोमाइज द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड शुड बी अवॉइडेड आल्सो. अब ये है ये इस सारे का लुबे लुबाब है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्यूट कोलिनर्जिक सिंड्रोम को आपने कैसे ट्रीट करना है. मस्कुलिन इफेक्ट्स क्या है. मायोसिस, ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोस्पैज्म, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन एंड डाउनस्ट्रीम ब्लड गेस में एट्रोपीन जो मस्कुलिन इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए एट्रोपीन 1.8 मिलीग्राम बोलस इमीडिएटली डबल द डोज एवरी 5 मिनट्स अंटिल एट्रोपिनाइज्ड. वंस पेशेंट इज एट्रोपिनाइज्ड गिव 20 to 30% डोज रिक्वायर्ड फॉर एट्रोपिनाइजेशन. 1.8 मिलीग्राम बुलस देना है उसके बाद हर 5 मिनट पे डोज डबल करते जाना जब तक एट्रोपिन के इफेक्ट्स ना आना शुरू. फिर एक दफ़ा आ जाए एट्रोपिनाइज हो गए उसके बाद 5 मिलीग्राम पर आवर पे आपने मेंटेन करना. निकोटिनिक इफेक्ट्स इसमें मस्कुलर फैसिकुलेशन, हाइपर एफ्लेक्सिया, फ्लैसिड मसल वीकनेस जिसमें आपने मसल को मॉनिटर करना है फिर ताकत आई होगा. इसके लिए प्रेडिडॉक्साइन 1 gram bolus in 30 minutes, then infusion of 0.5 grams per hour.
सीएनएफ इफेक्ट्स के लिए आप सिर्फ डाइजेपैम ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट वेंटिलेटर से दे रहे हैं डाल दें, अगर पेशेंट जो है वो उसकी एयरवे ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सेंटर इतना डिप्रेस हो गया स्पॉन्टेनियसली ब्रीद नहीं कर रहा तो आप वेंटिलेटर पर डाल दें, या अगर उसकी ब्रीदिंग डिप्रेस है तो ऑक्सीजन पर डाल दें। कन्वल्जेंस के लिए आप डाइजेपैम देंगे आईवी। ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। वॉट आर टॉक्सिक फीचर्स? अगर कोई मरीज बंदा मर गया है फ्रॉम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, उसमें आपको एक्सटर्नली आपको मिलेगा गार्लिक की ऑर्डर या केरोसिन लाइक कंटेंट्स ऑफ द वॉमिटर ऑन क्लोज बॉडी और फ्रॉथ होगा एट द माउथ एंड नोज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी सेक्रीशन, साइनोसिस होगी ऑफ एक्सट्रीमिटीज, कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल। इंटरनली गार्लिक और केरोसिन लाइक ऑर्डर कंटेंट्स ऑफ GI ट्रैक, कंजेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, पल्मोनरी एंड सेरेब्रल एडिमा, जनरलाइज्ड रेस्पिरेटरी कंजेशन, हार्ट में इनर मायोकार्डियम इज पेल, लिवर में पेल, येलो एरियाज में भी प्रेजेंट। अ यूजुअल साइन इन मॉर्चुरीज इन्फेस्टेड विद फ्लाइज इज दैट सम ऑफ दीज फ्लाइज आफ्टर सेटलिंग ऑन ओपन द डेड बॉडी में सबसिक्वेंटली डाई एंड लैंड ऑन द टॉक्सिक डेब्रिस। तो मक्खियाँ उस पर जाएंगी तो मक्खियाँ मर जाएंगी और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग अगर पॉइजन वहाँ पे है तो। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन्स रेजिस्ट ऑटोफैटोलिसिस एंड कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन प्यूट्रीफाइड बॉडीज। अब इन कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स आर रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स दैट हैव अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस तो इरिवर्सिबल थे ना, लेकिन ये रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज एंड दे आर जनरली लेस टॉक्सिक देन द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। कार्बामेट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज एग्रीकल्चरल एंड हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स जो घर में इस्तेमाल होते हैं। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज कार्बामेट्स आर गिवन, बेगोन वगैरह। द मैकेनिज्म ऑफ कार्बामेट टॉक्सिसिटी इज बाय कार्बोमाइलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अनलाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग बाइंडिंग टू एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, कार्बामेट डिसोशिएट इजीली फ्रॉम द एंजाइम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर सिमिलर टू ओपीसीज and generally CNS effects are minimal and most manifestations due to accumulation of acetylcholine at the muscarinic and nicotinic sites. Treatment is symptomatic and exposure is managed and prescribed for OPC. Some animal studies have shown that alkaline deactivators increase carbamate toxicity. ये नहीं देने आपने, prednisolone carbamates नहीं देने। Organochlorine sector में DDT आ जाता है। Organochlorine sector a group of fat soluble low molecular weight stable compounds and these are given. This class also has a lower water solubility and the compounds are very biodegradable and may persist in the environment. Half life of chloroquinolone or DDT is metabolized approximately 10 years. Organochlorine insecticides are stored in the adipose tissue. Rate of elimination of stored DDT from body is 1% per day. These insecticides persist in body stores and environment and they are relatively safe compared to organophosphorus insecticides. Food poisoning and death due to organochlorine exposure is rare. This relative safety may be in part due to its lipid solubility and storage in adipose tissue. These are highly lipid soluble and adipose tissue stored by exposure is not lethal, but in insects ke liye bahut lethal hai. They can penetrate the exoskeleton of insects, but percutaneous absorption in mammals is relatively poor. Organochlorine compounds are neurotoxins that stimulate sensory and motor nerve fibers and the motor cortex. वो कीड़े जो हैं वो seizure से मर जाते हैं. These compounds alter the movement, sodium, potassium ions across the neural membrane, affect the membrane-related enzymatic reactions adversely. This causes abnormal electrical activity. Severity of signs denoting toxicity is related to CNS concentration of these insecticides. The liver necrosis sensitization of myocardium hota hai to catecholamines and isse arrhythmia mein ja sakta hai banda. Nausea, vomiting, paresthesia, tongue, lips, nerves ko affect karta hai DDT. Restlessness, apprehension, irritability, tremors, convulsions,
हाइपर ससेप्टेबिलिटी टू स्क्लेरोकोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनोक्लोरीन पॉइजनिंग, साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद ऑर्गेनोक्लोरीन हेक्साइड्स आर एट्रिब्यूटेड मोस्टली टू सीएनएस स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन बिहेवियरल चेंजेस, सेंसरी इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंसेस एंड इनवॉलंटरी मसल एक्टिविटी एंड डिप्रेशन ऑफ द वाइटल सेंटर्स। सेंसिटाइजेशन ऑफ मायोकार्डियम टू कैटेकोलामिन में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमियास। न्यूरोटॉक्सिसिटी इज जनरली एसोसिएटेड विद मिस यूज ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स in children, but neurotoxicity in adults has also been shown to occur with proper use. How will you manage it? Supportive and symptomatic treatment aapne dena hai, injection agar ho gayi hai to gastric decontamination with lavage and emesis with activated charcoal and saline cathartics. CNS system depressants aap basically to apne convulsions ko prevent karne ke liye diazepam de dein, to aap barbiturates bhi istemal kar sakte hain. Diazepam has largely replaced phenobarbital for treating tremors and vulnerability because of its lower incidence and intracerebral respiratory depressant action. Epinephrine and other symptomatics must be avoided and there is no specific antidote for organochlorine poisoning. This ends the insecticides.